Hello gamers, my name is Vaibhav. Welcome back to another new episode of City Skylines. Wow, very nice. Rocket finally launch ho chuka hai. Pata nahi ye kaun se planet pe jaane wala hai, but abhi ye yahan se chala gaya. जब भी रॉकेट लॉन्च होता है भाई, देखने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. देखो वो कैसा ऐसा सीधा ऊपर जा रहा है, बस ये किसी प्लेन से ना टकरा जाए. फाइनली हम लोगों ने रॉकेट लॉन्च कर दिया एंड नाउ लेट्स प्ले द गेम. सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा नहीं है तो जो हमने फिशिंग इंडस्ट्री बनाई थी वो यहाँ पे. अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो यार प्लीज़ जाके देख लो आप क्या कर रहे हो. सिटी स्काइलाइंस की वीडियोज़ आप लोग आजकल नहीं देखते. सो ये हमने लास्ट एपिसोड में इंडस्ट्री बनाई थी फिशिंग की. एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये बताया था कि मुझे फिशिंग इंडस्ट्री अपनी सिटी के अंदर बिल्ड करनी चाहिए, तभी यहाँ पे जो ये इशू आ रहा है ना नॉट इनफ बायर्स का, तो वो सॉल्व हो जाएगा. तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को सिटी के आसपास भी बिल्ड कर देते, जैसे कि हमारी ये टू सर्कल सिटी है, यहाँ पे भी एक फिशिंग इंडस्ट्री आई थिंक लग सकती है. बट यार प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. फिशिंग इंडस्ट्री मैंने या इंडस्ट्री से बिल करी थी तो यहाँ आते फिशिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे. तो देखो इधर का पानी नहीं, इधर का पानी अच्छा है. ओ वेट वेट वेट, तो हमारी टू सर्कल सिटी के आसपास भी एक फिशिंग इंडस्ट्री बन सकती है. तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी एक फिशिंग इंडस्ट्री बना दूँ, मतलब कैंपस वाला एरिया बनाने से पहले. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ब्लू है तो ब्लू टूना, यहाँ पे टूना फिश टूना फिशिंग हो सकता है यहाँ पे. तो सेल्फिश ये आ गया टूना का, तो ये यहाँ पे लगेगा. नहीं, हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी. अरे यार अगर हाइट ज़्यादा है तो इसकी हाइट कम करें फिर. मैंने अभी थोड़ा सा और गेमर्स इसका हाइट कम कर दिया है. अभी यहाँ पे ये टूना मसला लगना चाहिए, अगर नहीं लगा तो हाँ अभी लगेगा. वेरी नाइस, एक टूना इधर रहेगा हमारा मछला एंड दूसरा टूना मसला हमारा इधर रहेगा. वेरी गुड, तो बस अभी मुझे यहाँ पे इसका राउट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा. ये लोग मछली कैसे पकड़ेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से इसका एक छोटा सा पैच बनाते हैं. यहाँ पे ये लोग आके मछला पकड़ेंगे एंड ये जो गुलाबी गुलाबी है वहाँ पे सैल्मन फिश पकड़ी जाती है, तो उसका भी करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे पैथ बना देता है गाइज, जस्ट लाइक दिस. ये इस तरीके से यहाँ पे आके कनेक्ट इट ओवर हेयर. ओके, कनेक्शन हो गया. मैंने यहाँ पे रूट कंप्लीट कर दिया और इधर भी मुझे सेम रूट बनाना पड़ेगा. इजी होता है ये, बहुत ज़्यादा इजी है. और इसको भी मैं यहाँ पे फिर ऐसा टूना कर देता है, ये चारों तरफ ऐसा घूमेगा. वाटर रिक्वायर्ड पता है मुझे, इसको इधर से ऐसे वापस लेके आते. वेरी नाइस और कनेक्ट इट ओवर हेयर. ओके, इसका भी बात. अबे क्या यार ये कनेक्ट का ही नहीं हुआ, वापस से करते हैं भाई. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं, डिलीट नहीं करना है भाई. ये इधर आके इसको कनेक्ट होगा. ओके फाइनली हो गया, मैंने दोनों के कनेक्शंस कर दिए. अभी इसको थोड़ा सा पानी नहीं मिल रहा है और ये टूना फिशिंग राउट ऑन पोल्यूटेड वाटर. अरे यार अभी ये लोग पोल्यूटेड बोल रहे इसको. अरे पहले तो पोल्यूशन नहीं था. हाँ यार मतलब थोड़ा सा पोल्यूशन है यहाँ पे भाई. दिन ये चीज़ बनाने का यहाँ पे क्या मतलब सीन क्या है? तो यहाँ पे ये लोग अभी मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे क्या? अभी इसको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे प्लांट लगा दूँ क्या? वो वाटर क्लीनिंग का प्लांट जो होता है आई थिंक वो लगा दिया तो इधर का पानी क्लीन हो जाएगा ना. हाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये वाला प्लांट पानी को क्लीन करता है ना. तो काम करते हैं, इधर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं. यहाँ पे एक लगाते हैं, दो तीन लगाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सारा पानी क्लीन हो जाए. और एक इधर भी लगाते हैं. और हाँ मैंने अभी यहाँ पे थोड़े से वाटर क्लीनिंग ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए. इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो अभी क्या होगा कि पानी ये लोग यहाँ का क्लीन करेंगे. एंड आई थिंक पानी क्लीन होने के बाद यहाँ पे मछली ये लोग पकड़ लेंगे. और इसको पानी का थोड़ा कनेक्शन चाहिए, इसको पानी का कनेक्शन दे दिया. और अभी इसके बाद हमको यहाँ पे रोड के कनेक्शन करवाने पड़ेंगे. तो ये वाला रोड इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ से भी बाहर जाने के लिए एक रोड का कनेक्शन ये वाला ब्रिज इधर कनेक्ट करते हैं जस्ट लाइक दिस. और दूसरा ब्रिज इधर से इधर को कनेक्ट होगा. ओके इजीली हमारे दोनों यहाँ पे कनेक्शंस कर दिए, मतलब अंदर बाहर आने के लिए. मैंने भी यहाँ पे एक और रोड का कनेक्शन कर दिया, तो अभी यहाँ पे जो भी मछलियाँ पकड़ी जाएंगी ये इधर से ऊपर की तरफ पहुँचाई जाएंगी. एंड हमारा भैया बोट यहाँ पे क्या कर रही है? भाई ये ब्रिज की वजह से इसे ऊपर नीचे कर रही है, बट स्टिल ये लोग मछली पकड़ रहे. आई थिंक अभी यहाँ पे ये लोग मछली पकड़ के आई थिंक लेके आ गए होंगे. थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए एटलीस्ट. तो ये लोग अभी यहाँ पे कुछ मछली या इसने आई थिंक यहाँ पे कुछ पहुँचा दिया. कितना टन आ गया मछली यहाँ पे? 2 टन स्टोरेज आ चुका है, टोटल 192 टन से. बट इट्स ऑल राइट, अभी यहाँ पे मछलियाँ ये लोग पकड़ रहे, तो ये भी हमारा बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, लोगों को मछलियाँ मिलती रहेंगी. और अभी आज के एपिसोड में मैंने जैसे कि आपको बोला है मैं एक कैंपस एरिया बिल्ड करने वाला है, बहुत बड़ा वाला. तो आपको मैं दिखा देता हूँ वो कहाँ पे होता है. तो ये मैं आगे एजुकेशन एंड कैंपस एरियाज में. तो यहाँ पे देखो हमारे पास है
ट्रेड स्कूल कैंपस एरिया, देन उसके बाद हमारे पास है लिबरल आर्ट्स कॉलेज कैंपस एरिया, देन उसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया। तो आज हम सबसे पहले स्कूल का बनाएंगे, स्कूल का बना के देखते हैं और ये कैंपस एरियाज जो है वो मुझे कौन से एरिया में बनाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये वाला जो एरिया है ये मुझे लैंड परचेस करना चाहिए और इधर हम कैंपस एरिया बनाएंगे हमारे हाइपर सिटी के जस्ट ये वाले साइड में, है ना। ये वाली टाइल को परचेस करते हैं, परचेस कर लिया मैंने ये वाली टाइल को। इधर की बिल्डिंग्स को क्या हुआ, ये लोग क्या बोल रहे हैं, टैक्सेस आर टू हाई। आर यू सीरियस, कितना परसेंट टैक्स ले रहे हो मैं लोगों से, एक सेकंड पॉलिसीज में चेक करने दो। टैक्सेस कहाँ पे होता है भाई, मैं भूल गया, हाँ यहाँ पे होता है ऑफिस वाले जोन से। अबे 11% भी देने में इनको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है भाई देन तुमको तुम्हारा 10% करते हैं। और इधर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं मुझे उनको अबेंडेड करना पड़ेगा, या ये जो बिल्डिंग अबेंडेड हो, या देखो मैंने जैसे 10% करा इधर का इनका साइन चला गया, तो इधर की कुछ बिल्डिंग्स को हटा देते हैं अभी, या इधर के लोग वापस से बिल्डिंग को यहाँ पे बना देंगे। एंड बाकी हमारा ऑफिस जोन तो भाई हमारा बहुत ज़्यादा यू नो बढ़िया चल रहा है, एकदम चंगा से। एक बार आपको इसको मैं सिनेमैटिक व्यू में दिखाता हूँ, क्या बढ़िया नज़ारे आते हैं, इतने ऐसे नो चारों तरफ सारी बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स है। फार्मिंग इंडस्ट्री के जस्ट साइड में ही हमारा कैंपस एरिया बनेगा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो भाई जल्दी से यहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं। अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पे लेआउट देखना पड़ेगा, हम यहाँ पे कैसा सिस्टम बनाएंगे। तो एक बार देखते हैं हमारे पास लेआउट में कुछ अच्छा है क्या, जहाँ पे हम कुछ लगा सकते हैं यहाँ पे। ये ब्रिजेस वगैरह है, ये भी रोड का कनेक्शन है। ये लेआउट आई थिंक बढ़िया रहेगा यार, मतलब दिखने में भी बहुत ज़्यादा फैंसी है। हाँ ये आई थिंक बढ़िया रहेगा, लेट्स गो। हमारा लेआउट यार यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, काफ़ी प्यारा सा लेआउट है। और हमारा ये पूरा स्कूल कैंपस एरिया रहने वाला है, पेंट कैंपस एरिया। ये कैंपस एरिया का आ गया, तो इसको मुझे यहाँ पे कैंपस एरिया पेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा कैंपस एरिया रहेगा, इतना ही बनाते, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाऊंगा मैं, एकदम प्रॉपर कॉम्पैक्ट बढ़िया लगता है। तो ये मैंने कैंपस डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पे पेंट कर दिया है जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड यहाँ पे इसको कैंपस एरिया नाम मिला, इसको हम क्या बुलाएंगे, इसको हम बुलाएंगे खतरनाक कैंपस। खतरनाक भाई ईशान, आपके नाम पे मैंने एक कैंपस एरिया का नाम रखा है, लेट्स गो। उनको यू नो कमेंट्स में टैग करके बताओ भाई आपके एरिया का नाम रखा है मैंने। तो यहाँ पे मैंने कैंपस एरिया बिल्ड कर दिया खतरनाक कैंपस नाम से, और अभी हम यहाँ पे अपनी खतरनाक कैंपस बनाएंगे। अभी सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रोड के कनेक्शंस हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हमारी कैंपस सिटी बनाते हैं। तो यहाँ पे अलग से रोड होते हैं इसके लिए, ट्रेड के लिए अलग से स्कूल्स होते हैं, तो ये नॉर्मल रोड के किनारे नहीं लगेगा क्या। एरिया हैज़ नो एडमिन, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी हमको, या ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग इधर हाँ लगेगी, वेरी नाइस। तो ये बिल्डिंग हम एडमिनिस्ट्रेटर हमारा इधर से होगा, या यार ऐसे सर्कल के बीच में बन जाती तो भाई बहुत सही हो जाता। यहाँ पे बना दो यार प्लीज़ बना दो, नहीं बन रहा ये इधर, तो इधर बनेगी, यहाँ पे इधर ही बनाते, नो प्रॉब्लम, ठीक है चलना भाई। ये हमने यहाँ पे मेन बिल्डिंग बिल्ड कर दिया हमारे कैंपस की, जिसका नाम है ट्रेड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग इसे क्या करती है, दिस बिल्डिंग डिफाइंस कैंपस एरिया टाइप ऑफ ट्रेड स्कूल, अलाउज रेपुटेशन प्रोग्रेशन ऑफ कैंपस एरियाज एंड वर्क्स एज हेडक्वार्टर्स फॉर सिटी सर्विस। ट्रेड स्कूल कैंपस बिल्डिंग प्रोवाइड यूनिवर्सिटी लेवल ग्रेजुएशन, ओके ठीक है समझ गया मैं, इसने क्या बोला मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तो यहाँ पे बन चुकी है, एंड नाउ इसके बाद हम यहाँ पे सारी बाकी की बिल्डिंग्स बना सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास है ट्रेड स्कूल डॉर्मेटरी, ये क्या होता है, इज़ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर स्टूडेंट्स, ओके बच्चों को रहने के लिए। तो बच्चों को रहने के लिए इधर हमारा मेन बिल्डिंग है, इधर हमारा पूरा कॉलेज का एरिया रहेगा, तो रहने वाला एरिया अलग बनाना चाहिए मुझे आई थिंक। तो रहने के लिए मैं सोच रहा हूँ इधर अंदर की तरफ बनाते हैं, हाँ ये अंदर की तरफ थोड़ा सा रहने वाला सिस्टम बनाएंगे हम लोग जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे रहने की बिल्डिंग रहेगी स्टूडेंट्स की, ये मैंने एक बना दी, वैसे हम इसको कितने भी बना सकते हैं, तो टोटल दो बिल्डिंग्स आई थिंक होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दो बिल्डिंग्स बना दी लोगों को, लोग नहीं स्टूडेंट्स को रहने के लिए, उनके नॉर्मली जो ये होते हैं ना हॉस्टल्स, वो है ये। तो यहाँ पे मैंने हॉस्टल्स बना दिए, वैसे इसके अंदर कितने लोग रह सकते हैं, 324 स्टूडेंट्स एक साथ रह सकते हैं, ठीक है भाई समझ गया हमें। अभी इसको थोड़ा सा पानी का कनेक्शन चाहिए, तो काम करते सबसे पहले इधर के एरिया को पानी देते हैं, एंड देन हम बाकी का मामला पानी देखेंगे। इधर से पानी का कनेक्शन आएगा जस्ट लाइक दिस, फिर इधर से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आके इधर को इधर आएगा, परफेक्ट। तो पानी का कनेक्शन मैंने कर दिया है हमारा, ये भी बन चुका है, यहाँ पे हॉस्टल बन चुका है बच्चों का। देन उसके बाद हम यहाँ पे ये बनाएंगे ट्रेड स्कूल स्टडी हॉल, ओ ये स्टडी हॉल है, ये बच्चों को स्टडी करने में आई थिंक मदद करेगा। दिस बिल्डिंग इंक्रीज कैंपस अट्रैक्टिवनेस, ओके नीड टू बी प्लेस्ड विद इन ट्रेड, एक सेकेंड नीड टू बी प्लेस क्या, हाँ ये तो पता है मुझे कैंपस एरिया में बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टडी हॉल गाइज बना दिया है, जहाँ पे अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे आके स्टडीज़ कर सकते हैं। और इसका बस मुझे रोड का कनेक्शन करवाना पड़ेगा, ये भी बिल्डिंग देखने में वैसे काफ़ी बढ़िया लग रही है,
तो ये इसका रोड का कनेक्शन इधर से रोड, ओके इधर से रोड का कनेक्शन करना है तो ये भाई ये ले, ये इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ किसी तरह। ओके हो गया, अभी रोड का कनेक्शन तो यहाँ पे इजीली बन गया। ठीक है, मैंने एक रोड का कनेक्शन कर दिया हमारे स्टडी हॉल के लिए। इसके अंदर कितने, 432 बच्चे पढ़ सकते हैं। ग्राउंड्स कीपिंग, ये क्या होता है, वर्किंग हार्ड टू कीप कैंपस एरिया। तो ये ग्राउंड्स कीपर की जो बिल्डिंग है वो मुझे बच्चों के हॉस्टल के साइड में बनाते हैं यहाँ पे, हाँ प्रॉपर जगह पे ये, अरे यार नहीं बन रहा है यहाँ पे, ओ बन रहा है बन रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाते हैं, एक बिल्डिंग एक ही बन सकती है, तो एक यहाँ पे हमारे यू नो हॉस्टल को ये लोग ठीक रखेंगे एंड दूसरी बिल्डिंग आई थिंक हम अपने इसके साइड में बना सकते हैं, मेन बिल्डिंग के साइड में, हमारा क्या बोलते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के साइड में मैंने ये ग्राउंड कीपिंग का बिल्डिंग भी लगा दिया। तो टोटल दो ग्राउंड कीपिंग के मैंने बिल्डिंग्स लगा दिए। और अभी उसके बाद हम यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, बुक क्लब, काफ़ी प्यारा लग रहा है दिखने में वैसे ये भाई, बहुत प्यारी बिल्डिंग है वैसे, ये करते क्या है बुक क्लब, आई मीन लाइब्रेरी की तरह, रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट, बुक क्लब्स इंक्रीज कैंपस एरिया अट्रैक्टिवनेस, पता है बिल्डिंग में पता है सब कुछ पता है करेगा ये कि ओके एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे बीचों बीच बुक क्लब बना दिया है भाई, क्या प्यारी बिल्डिंग है यार, आई मीन बहुत सही लग रहा है, देखो क्या लग रहा है ये छोटा सा प्यारा सा हमारा बुक क्लब। अगर ऐसा बोलूँ का बुक क्लब होता ना मेरे कॉलेज में स्कूल में भाई, मैं रोज़ पढ़ाई करने के लिए जाता, आई मीन अगर ऐसा इतना प्यारा अगर कैंपस होता तो कौन कौन जाता मेरे साथ, आता मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए, कॉमेंट्स में बताओ मुझे। और अभी हमको बुक क्लब के प्लस थोड़ा सा रोड का कनेक्शन करना पड़ेगा। मैंने भी यहाँ पे दो ब्रिजेस बना के बुक क्लब को दोनों तरफ से कनेक्ट कर दिया है, तो भी आप लोग यहाँ पे आके अच्छे तरीके से पढ़ाई वगैरह कर सकते हो। एंड नाउ उसके बाद बाकी की और बिल्डिंग्स बनाते हैं जो हमको यहाँ पे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेड स्कूल आउटडोर स्टडी, ये क्या होता है, आई थिंक आउटडोर आप यहाँ पे आके घूम वगैरह सकते हो, आई मीन जस्ट पार्क की तरह ही आउटडोर, भाई काफ़ी बड़ा ही है तो एरिया आउटडोर स्टडी के लिए, तो इधर ही बनाते फिर आउटडोर स्टडी, एक इधर बनाते एक इसके साइड में इधर बनाते और एक इधर भी बनाते हैं, टोटल तीन आउटडोर स्टडी एरिया मैंने बना दिए जहाँ पे आके यू नो आप पार्क के अंदर आसपास ऐसे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, आई मीन ये एक टाइप का पार्क ही है। जिमनेशियम, जिमनेशियम होता है ये, तो जिमनेशियम इधर हमारा जिमनेशियम रहेगा, लेट्स गो। मैंने एक जिमनेशियम भी बिल्ड कर दिया है, आई मीन ये जिम है नॉर्मली, हमारे स्टूडेंट्स जिमिंग करके अपने सेहत को यू नो हेल्दी रख सकते हैं, तो हमारा जिम भी इधर बन गया। फिर हमारे पास है स्कूल कैफेटेरिया, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैसे। मैंने गेमर से आप एक कैफेटेरिया की भी बिल्डिंग बना दी है, बढ़िया लग रहे है देखने में वैसे ना, नाइस। आप सीधा जिम से आके यू नो यहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हो, खाना खा सकते हो, देन उसके बाद हमारे पास और क्या क्या है देखना पड़ेगा। अभी आई थिंक कुछ थोड़ी बिल्डिंग से बची है, ये स्कूल फाउंटेन है, आई मीन छोटा सा फाउंटेन है, तो फाउंटेन बीच में होना चाहिए ऐसा आई थिंक, इधर लगाते हैं फाउंटेन। ओके एक फाउंटेन इधर है। स्कूल लाइब्रेरी, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है, तो लाइब्रेरी को किधर बिल्ड करें फिर, अभी यहाँ पे भाई प्लीज़ इधर बना दो, कोई जगह ही नहीं है अभी मेरे पास। दो टोटल मैंने यहाँ पे स्कूल लाइब्रेरीज बना दी है, एक बार आपको इसको सिनेमैटिक व्यू में दिखाता हूँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, नाइस। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर हमारे यू नो स्कूल में होती तो भाई मज़ा ही आ जाता, हमारा पूरा कॉलेज यू नो इन्हीं दो तीन बिल्डिंग्स में ऐसा हुआ करता था, ये तो बस लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ा हमारा मतलब फैला हुआ बिजनेस है, गोरे गई के। उसके बाद हमारे पास है आईटी क्लब, आईटी क्लब क्या होता है, आईटी क्लब प्रोवाइड्स प्रेमिसेस वेयर स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम वाइल्ड रेंज ऑफ टेक्निकल स्किल्स। ओके यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स को आपको पढ़ाया जाएगा, तो आईटी का ये फिर इधर रहेगा यहाँ पे, हाँ इधर ही एकदम परफेक्ट एरिया, ये वाला एरिया में इधर हमारा आईटी स्कूल रहेगा। बिल्डिंग वैसे काफ़ी पुरानी है बट इट्स ऑल राइट, एंड ऊपर भाई ये कैसा आईटी स्कूल है जहाँ पे यू नो छत के ऊपर इतना ये ऐसा लेटने के लिए जगह वगैरह दे रखी है। ट्रेड स्कूल ऑफ कॉमेंसमेंट, कॉमेंसमेंट क्या होता है भाई, हॉस्टल के सामने की तरफ होगा ये बिल्डिंग, ये भी बना दिया हमने, दिखने में वैसे कैसा ये, अरे ये होता है ना वहाँ पे, आई मीन ऑडिटोरियम जैसा सीन है ये, देखो यहाँ पे आके आप यू नो भाषण वगैरह दे सकते हो या जब भी फेयरवेल वगैरह होगा किसी का वो उस जगह पे दिया जाता है, हाँ नाइस। तो ये भी बिल्डिंग हमने बना दी, वैसे ये बिल्डिंग देन यार यू नो ऐसे बीच में होनी चाहिए हमारे कैंपस एरिया के, बट बढ़िया लग रहा है हमारा कैंपस एरिया। बुक स्टोर, बुक स्टोर कितना बड़ा है, ओ भाई बुक स्टोर भी काफ़ी बड़ा है यार, बुक स्टोर फिर इधर कहीं पे लग जा मेरे भाई, भाई माजा बहावा इतने बन यार। ओके मैंने यहाँ पे बुक स्टोर भी बना दिया हमारे जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के बिल्डिंग के साइड में, सामने की तरफ बुक स्टोर भी बढ़िया लग रहा है दिखने में, तो ठीक है बुक स्टोर की भी बिल्डिंग बना दी है। अभी हमारे पास है मीडिया लैब, अभी मीडिया लैब क्या होता है, ये टेक्नोलॉजिकल बिल्डिंग आई थिंक साइंस एंड आर्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये हमने यहाँ पे मीडिया की जो भी बिल्डिंग लगा दी, कितनी दो फ्लोर्स की बिल्डिंग है वो भाई, नाइस। अभी इसका भी हमको यहाँ पे रोड का कनेक्शन करना पड़ेगा, रोड का कनेक्शन इधर हो चुका है,
ओके, तो हमने हमारी मीडिया बिल्डिंग भी बनके तैयार है, बढ़िया लग रही है। वॉलीबॉल क्लब, वाओ, ये छोटा सा ही है, तो हमारे हॉस्टल के साइड में लगाते हैं वॉलीबॉल, इधर पीछे की तरफ। या एक वॉलीबॉल क्लब इधर लगा दिया, कैसा बिल्डिंग है दिखने में। ओह, कुछ बच्चे यहाँ पे वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आई थिंक हमारे स्कूल की प्राइवेट टीम होगी, आई मीन पब्लिक टीम, प्राइवेट क्या, पब्लिक टीम होगी हमारे स्कूल की वॉलीबॉल के दिन। उसके बाद हमारे पास है पुलिस एकेडमी, ये पुलिस भी बनाया गया यहाँ पे हमारे, जाएंगे आई मीन पुलिस का भी एजुकेशन दिया जाएगा। पुलिस एकेडमी की अगर हमने बिल्डिंग यहाँ पे बना दी तो ये हमारे पुलिस के साथ काम करेंगे, मतलब हमारे स्टूडेंट्स। ओके ठीक है भाई। ओ भाई, ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आई मीन आर यू सीरियस, इतना बड़ा बिल्डिंग, मेरे को लगा भाई इतने में हमारा पूरा कैंपस बन जाएगा। भाई ठीक है, फिर ये पुलिस कैंपस फिर इधर बनाते, जस्ट बॉयज आई मीन हॉस्टल के साइड में, हॉस्टल के साइड में ही पुलिस का बिल्डिंग होना चाहिए। भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये भाई, लेट्स गो। तो भी हमारे स्टूडेंट्स को यू नो, उसका भी एक्सपीरियंस दिया जाएगा, पुलिस का, पुलिस के साथ काम करने को उनको मिलेगा। एंड अभी आखिरी की दो बिल्डिंग्स बची है, स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल, इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो ये भी फिर बिल्डिंग यहाँ पे बना रहते हैं, ये भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो ये बड़ी बिल्डिंग फिर इधर बनेगी हमारी, इंटर्नशिप के लिए है तो ये इधर बनेगा। टूरिज्म एंड ट्रैवल का भी बिल्डिंग हमारा गेमर से यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग है, नाइस। अभी बस एक आखिरी बिल्डिंग बची है, उसको जल्दी से बना देते हैं। अभी कौन सा बिल्डिंग है, ये आखिरी वाला बिल्डिंग है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ये सबसे मेन बिल्डिंग है बिकॉज आई एम इंजीनियर। तो ये इंजीनियरिंग का बिल्डिंग, भाई ये सबसे बड़ा बिल्डिंग है, तो मेन बिल्डिंग ही बनाना भी रह गया भाई। ये कहाँ पे बना है, ये यहाँ पे बन जाता क्योंकि यहाँ एक काम करते, इधर के जो पार्क्स थे ना इनको यहाँ से डिलीट करते हैं, और इधर हमारा यार इसको नहीं डिलीट करना था मुझे, इधर हमारा मेन इंजीनियरिंग का बिल्डिंग रहेगा, जस्ट लाइक दिस, ये यहाँ पे मेन इंजीनियरिंग का बिल्डिंग, हाँ एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है ये एरिया में। तो यहाँ पे हमने ये मेन इंजीनियरिंग का भी बिल्डिंग बना दिया, एंड जस्ट लुक एट दिस, भाई बहुत सही लग रहा है बिल्डिंग। इसके अंदर वैसे हम लोग यार अगर अंदर जाने मतलब जाने का सिस्टम होता ना तो यार मज़ा ही आ जाता। तो हमारा इंजीनियरिंग का भी बिल्डिंग बन के तैयार है, और हमारा कैंपस दिखने में भाई बहुत सही लग रहा है। मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताओ आपको हमारा कैंपस एरिया कैसा लगा। और इधर का ये कनेक्शन मैं इधर कर देता हूँ, अभी ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कुछ कनेक्शंस कर दिए रोड के, और अभी बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हमको यहाँ पे इसको रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा, आई मीन मेन सिटी से। यहाँ पे भी लोग कैसे आएंगे वो सबसे मेन सवाल है, तो उसके लिए हम यहाँ से कुछ रोड के कनेक्शंस करेंगे। ये इसको कनेक्ट होगा इधर, एंड ये भी इसको कनेक्ट होगा इधर से इधर। ओके, रोड के कनेक्शंस कर दिए हमने, अंदर बाहर आने के लिए अभी लोग चारों तरफ से हमारे सिटी से यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे एक ये भी बनाना चाहता हूँ यू नो, ट्रेन स्टेशन वगैरह बच्चों के लिए, तो हम यहाँ से एक मेट्रो लाइन बिछा दें, मेट्रो लाइन लगा दी तो चलेगा क्या। वैसे एक सेकेंड, यहाँ पे हमारी मोनो रेल है, हाँ यार मोनो रेल बनाते हैं, मोनो रेल का भी कनेक्शन यू नो यहाँ पे आ जाएगा इजीली, तो मोनो रेल ही बनाते हैं फिर। यहाँ पे हमारा मोनो रेल का स्टेशन आएगा, वेयर शुड वी बिल्ड मोनो रेल स्टेशन, मोनो हमारा मोनो किधर रहेगा, मोनो इधर हमारी मोनो रेल गेम बन जाएगी। मैंने मोनो रेल इधर बना दिया ओके, अभी बस मुझे यहाँ पे कनेक्शंस करने पड़ेंगे, मोनो रेल का कनेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ये मोनिया इधर से इधर आएगा क्या, आएगा, बट ये बीआर बीच का हट जाएगा ये, इट्स ओके, अभी हट जाएगा तो चलेगा, मोनो रेल बनाना इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इधर मोनो रेल के कनेक्शंस बना दिए, यहाँ पे मोनो रेल के मैंने कनेक्शंस कर दिए, एंड नाउ लेट्स, अभी लाइन बन जानी चाहिए आई थिंक, यस लाइन बन गई इधर, ओके देखो इधर के लोग खुश हो गए। तो अभी मुझे बस मोनो रेल के थोड़े से और कनेक्शंस करने पड़ेंगे, एक मोनो रेल का कनेक्शन हम इधर से करेंगे। मैंने भी यहाँ पे दो तीन लाइंस को कनेक्ट कर दिया है, एंड मोनो रेल ने भाई यहाँ पे दौड़ना भी शुरू कर दिया। एक बार इसका सिनेमैटिक व्यू देखते हैं हमारे कैंपस एरिया में, नाइस, बहुत प्यारा लग रहा है भाई, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो बच्चों के लिए अभी यहाँ पे पूरा सिस्टम बना दिया, वैसे इसके अंदर कोई अभी नहीं होगा, थोड़ी देर में यहाँ पे यू नो लोग आना शुरू कर देंगे, और देखो मोनो रेल यहाँ से वापस जा रही है। ओके, तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हमने यहाँ पे बना दिया, और अभी थोड़े से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मैं यहाँ पे एक टैक्सी का ये टैक्सी डिपो लगाने की सोच रहा हूँ, कैंपस एरिया में टैक्सी डिपो होना चाहिए, तो एक टैक्सी डिपो यहाँ पे लगाते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक टैक्सी डिपो लगा दिया, और ये क्या है, टैक्सी का स्टैंड है, तो टैक्सी का जैसे कैंपस के अंदर टैक्सी की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी लगा देते हैं अगर बच्चों को यू नो थक जाते हैं बच्चे पढ़ाई करके, तो टैक्सी के स्टैंड्स भी लगा दिए मैंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से टैक्सी स्टैंड लगा दिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हमारा बनके तैयार हो चुका है। यहाँ से इसका हम पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं हमारे कैंपस एरिया का। एकेडमिक ईयर अभी लगभग आई थिंक 4-5 महीने बीत चुके हैं, ये 25 वीक्स में एंड हो जाएगा एक एकेडमिक ईयर। टोटल यहाँ पे 193 स्टूडेंट्स ने आई थिंक एडमिशन लिया है, काफ़ी एट्रैक्टिव है हमारा कैंपस, और एक्सपेंसेस ट्यूशन फीस $955 फीस है,
ओके, और अभी टोटल 1991 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 89 स्टूडेंट्स ने टोटल एडमिशन लिया है। 6,000 की कैपेसिटी है, तो थोड़ी थोड़ी उन्होंने धीरे धीरे भी यहाँ पे ज़्यादा लोग आई मीन ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे। स्टूडेंट का हेल्थ केयर हम पॉलिसी में थोड़ा चेंज करते हैं, फ्री लंच भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर फ्री लंच कर दिया तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे आई थिंक। नहीं, अभी तो नहीं करेंगे हम लोग फ्री लंच यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अभी तक हमारे कैंपस में मेरे को कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है जो कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हो। वेट, ये कौन है? टोगा पार्टी गोर, ये क्या होता है? पार्टिंग, ये लोग यहाँ पे पार्टिंग कर रहे हैं। व्हाट, इन्होंने अलग टाइप के और अजीब से कपड़े पहने हैं, पता नहीं भाई ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बट सही है। तो आई थिंक गेमर्स, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आज हमने काफ़ी प्यारा सा यहाँ पे कैंपस एरिया बिल्ड कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम यू नो आर्ट्स, वो जो लिबरल आर्ट्स का जो होता है वो वाला कैंपस एरिया बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गेमर्स।